विद्या स्टेडियम एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं यहाँ पर मीटर ब्रिज। लेब असिस्टेंट में आपका जो लास्ट टॉपिक है जो करंट इलेक्ट्रिसिटी का, वो है मीटर ब्रिज। अब देखो इसमें एक बार, जैसे विभव मापी है, मीटर ब्रिज का कंसेप्ट बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन इसमें जो प्रिंसिपल है वो है इसका व्हीटस्टोन ब्रिज का। कौन सा प्रिंसिपल है इसका? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो ये किस पे काम करता है? व्हीटस्टोन ब्रिज। तो संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के कंसेप्ट पे ये काम करता है। तो किस पे काम करता है? संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम करता है, ठीक है। चलो इसका एक बार मैं आपको सेटअप बना के बता देता हूँ कि ये मीटर ब्रिज है, इसका सेटअप क्या होता है, उसके बाद में ये किस तरह से अपन इसका न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे, तो इसकी मैं आपको एक यहाँ पे अप्रोच बताता हूँ। देखो सेटअप कैसे होता है मीटर ब्रिज का। ये मान लो एक ये लकड़ी का फट्टा है, ये लकड़ी का फट्टा होता है एक, ठीक। इसमें ये अपन ने कोई स्ट्रिप लगा दी और यहाँ पे एक, यहाँ पे भी स्ट्रिप लगाई है कुछ, और यहाँ पे ताकि कनेक्शन दे दे। इसको मैंने बोल दिया ए, इसको बोल दिया मैंने बी। यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया। क्या लगाया मैंने यहाँ पे? एक रेजिस्टेंस बॉक्स। यहाँ से मैं रेजिस्टेंस निकाल सकता हूँ, की होती है ना, जितने की अपन निकालेंगे उतने का रेजिस्टेंस हो जाएगा। देखा होगा लैब में आपने। अब देखो यहाँ पे एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया एस, यहाँ पे रेजिस्टेंस निकाल लिया आर, यहाँ पे निकाल दिया मैंने एस, ठीक, यहाँ पे एस। तो ये क्या अननोन रेजिस्टेंस है? क्या है ये? अननोन रेजिस्टेंस। मतलब ये रेजिस्टेंस अपने को ज्ञात करना होता है। जो मीटर ब्रिज के क्वेश्चंस आएंगे उसमें एक रेजिस्टेंस अपने को ज्ञात करना होगा, ठीक है। यहाँ पे ए और बी के बीच में मैंने क्या लगा दिया? वायर लगा दिया, ठीक। चलो इसको कनेक्शन दे देते हैं। तो अपन ने क्या दिया कनेक्शन के लिए? अपन ने बैटरी लगा दी यहाँ पर, ठीक, और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस लगा दिया ताकि धारा स्मूथली आए, और यहाँ पे अपन ने एक की लगा दी। चलो ये अपना एक सेटअप तैयार हो गया। कुछ कमी रहेगी इसमें? चलो हाँ, एक इसमें गैल्वेनोमीटर लगा दिया अपन ने। चलो इसमें मैंने इसको थोड़ा रेजिस्टेंस देख के एक गैल्वेनोमीटर से जोड़ दिया, छोटा सा बना, एक बार देख लेना गैल्वेनोमीटर ये रहा। और ये मैंने क्या लगा दिया? एक जोकी लगा दी। ये जोकी क्या करेंगे? अपन स्लाइड कर सकते हैं वायर के, ठीक। अब देखो सबसे पहली बात कि इस वायर की लंबाई अपन कितनी लेते हैं? ए से बी की जो वायर की लंबाई लेते हैं अपन, ज़्यादातर जो तार की लंबाई इसमें लेते हैं वो लेते हैं अपन 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर, ठीक है। स्टैंडर्ड लेते हैं अपन इसकी, 1 मीटर का वायर होता है ये। अब देखो सपोज करो कि अपन ने यहाँ पूरा ये सप्लाई वगैरह दी इसको। अब मैं जोकी इसको, यहाँ रेजिस्टेंस आर हो गया, एस हो गया, इस जोकी को मैं स्लाइड कर रहा हूँ। इस लेंथ तक आते आते, देखो एक बार, इस लेंथ तक आते आते, स्मॉल एल तक आते आते मेरे को क्या हुआ, इसमें मेरे को इसमें गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन मिला, जीरो करंट मिली। इसका मतलब क्या हुआ कि जीरो करंट मिलेगा तो ये पूरा जो ब्रिज है वो क्या हो गया? संतुलित हो गया। क्या हो गया? ब्रिज पूरा संतुलित हो गया। तो इसको देखो, ए से स्मॉल एल, इसको रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया पी, और एल से इधर तक के रेजिस्टेंस को मैंने मान लिया क्यू। और इस ए बी तार का देखो, यहां पे लिख रहा हूं मैं, ए बी जो तार है कि विभव प्रवणता वो है रो। देखो मैंने अब सारा बता दिया, मैंने मीटर ब्रिज का सेटअप बता दिया आपको, विभव प्रवणता। अब मेरे को एक बात बताओ, जब स्मॉल एल पे जब ये पूरा ब्रिज संतुलित हुआ तो मेरे को बताओ पी, जो ये पी होगा, पी रेजिस्टेंस है, वो कितना हो जाएगा? पी रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? देखो
आप मेरे को यह बताओ कि रेजिस्टेंस क्या होता है, आपने जो दे मतलब पढ़ रखा है रो एल बाई ए, यही होता है रो एल बाई ए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि पी रेजिस्टेंस है, कितना रेजिस्टेंस है पी माना मैंने, एक बार समझो मैंने कितना रेजिस्टेंस माना यहाँ पे पी, पी कितना हो जाएगा रो एल बाई ए, समझ में आ गया आपको। यहाँ पे रो और ए चेंज नहीं हो रहा, एल चेंज हो रहा है, ये बात ध्यान रखना पहली कंडीशन। क्यू क्या हो जाएगा रो, यहाँ पे अगर ये एल हो गया, इतनी लेंथ अगर एल है, देखो एक बार जब इतनी लेंथ एल है तो ये बच्ची हुई लेंथ क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर की बात कर रहा हूँ मैं, तो 100 माइनस एल, देखो एक बार समझ में, पूरा 100 सेंटीमीटर का है, अगर ये एल होगी तो ये कितनी होगी 100 माइनस एल, तो ये कितनी हो जाएगी 100 माइनस स्मॉल एल अपॉन ए, ये हो गया अपना रेजिस्टेंस सेकंड, समझ में आ गया। मैंने दोनों रेजिस्टेंस निकाल लिए, पी निकाल लिया और ये निकाल लिया। अब देखो यहाँ पे जो ये रो है ना, ये विभव प्रवणता, इसमें इसको के कर लो आप, क्यों किया के बताओ, क्योंकि यहाँ पे जो रो है वो क्या है, वो स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी है, और यहाँ पे जो रो मैंने लिखा था वो विभव प्रवणता थी, इसलिए कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए विभव प्रवणता को आपने क्या लिख लो यहाँ पे के लिख लो, समझ में आया आपको। अब देखो पी की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू अपने पास है अपने पास, और एस अपने पास अननोन है, अज्ञात है। जब धारा नहीं बह रही तो ब्रिज क्या हो गया, ब्रिज हो गया बैलेंस, और ब्रिज जब बैलेंस होता है तो क्या लिखते हैं अपन, पता होगा आपको, दो जो दो ब्रांच होती है उनका अनुपात, और जो नेक्स्ट जो दो ब्रांच होती है आउटपुट वाली, दोनों ब्रांचों का अनुपात रेजिस्टेंस का अनुपात समान होता है, तो पी बाई क्यू बराबर आर बाई एस, इसका रेजिस्टेंस बटा इसका रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस बटा ये रेजिस्टेंस, दोनों बराबर होगा जब ब्रिज बैलेंस होता है। देखो आर बाई एस, आर बाई एस को इधर लिख लो, पी की वैल्यू आपको पता है रो एल बाई ए, और ये कितना हो जाएगा क्यू रो 100 माइनस एल बाई ए, रो से रो कैंसिल हो गया, रो ध्यान रखना वापस बता रहा हूँ, यहाँ पे रो है वो है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी, विभव प्रवणता नहीं है, इसलिए बुक्स ने के दे देता है, यहाँ पर क्या देता है के मान लेता है ना, ए से ए कैंसिल हो गया अपने को, देखो आर आर अपॉन एस बराबर क्या हो गया एल अपॉन 100 माइनस एल, तो एस बराबर क्या हो जाएगा, एस बराबर हो जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन स्मॉल एल, समझ में आ गया आपको, क्या हो जाएगा आर इंटू 100 माइनस एल अपॉन स्मॉल एल, एल की वैल्यू पता है आर की वैल्यू पता है, तो अज्ञात रेजिस्टेंस एस की वैल्यू अपन बता सकते हैं। तो आपको जो मीटर ब्रिज से जो क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको इस अज्ञात रेजिस्टेंस जो एक अननोन रेजिस्टेंस होगा उसकी वैल्यू पता करना आएगा, इस तरह का सेटअप दिया हुआ होगा आपको, बैलेंस कंडीशन दी हुई होगी, तो जब अपन क्वेश्चंस वाले जो सेट करेंगे उसमें मैं बताऊंगा, तो ये वीडियो देखना, फिर मैं जो क्वेश्चंस वाला कराऊंगा वो देखना, और फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो कि आपको जो किस में दिक्कत आ रही है, तो अपन आगे उसको डिजोल्व करेंगे।